जलाओ 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 पूरी तरह से जोर से और जोर से। हाँ क्या करने का था, तबाही बर्बादी लगाने का था उसके घर में। हाँ शमशान से लाए थे, कब्रस्तान से लाए थे, कहाँ से शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से। जलाओ 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 तेज के साथ में। कहाँ से लाए थे, शमशान से कब्रस्तान से। जोर से बोल, जोर से बोल, सब कुछ सुनाना, पूरा काट के तो टुकड़ा कर देता उन्हें तो। कहाँ से लाए थे जलाओ उसको, नाला कुत्ते जिसका दाग लगाओ, उसके दो टुकड़ा करेंगे, झगड़ो कुत्ते जिसका। नहीं, कौन करा था, उसके ससुराल के थे, मैके के लोग थे, किधर के थे वो, किधर के थे, मायके के थे, ससुराल के थे उसके, उनके दोस्त आने के थे, रिश्तेदार थे। इसको मार मार के उतार के अंदर कमजोर करो और बाद में उसको मेरे सामने लाओ, उन्हें सब बयान करना कौन डाले। कौशर भी, अरे अंदर पानी पियो, क्या होगा, कहां से आए थे, इससे पहले कितने बार हंसी हुआ उनके घर पे, ये तो मालूम नहीं है जो काम ही है, उनको परेशानी हो रही घर में, मियां बीवी का झगड़ा हो रहा, हर घर में दे रहे ना बिठा रहे, उनके भी साथ में झगड़ा हो रहा, तकलीफ हो रही उनको, पेट बड़ा हो जा रहा है, पेट पर सूजन आ जा रही, एक छाती पूरी सूख गई। तुम वो बीमार है, बीमार है समझ रहे थे। हाँ। अभी देखे ना हमने क्या आया, तो जादू टोने से खिला के छोड़ा था सामने, आया ना आने के बाद देखे नजर चला के हमारे। बीमारी बीमारी परेशानी तकलीफा ऐसे समझ रहे थे, घर में कितने झगड़े भी हो रहे थे, वो असल में क्या दास्तान थी देखे ना, यहाँ सामने आने पर उसको पकड़े, वो कर रहा था अंदर बैठ के परेशान, सारे बीमारियां लगाया था, क्या क्या तकलीफा लगाया था, वो खुद को खुद आया वाला नहीं है, उसको लाकर किसी ने छोड़ा हुआ है खिलाकर, कौन छोड़ा, कहाँ से आया था, कितने लोगों को मारा, कैसा मारने आला है, वो तो सारी दास्तान इंशाल्लाह आगे पूछूंगा नामों के साथ में, जब तक उसको जकड़ के कमजोर करके मार मार के उसके सारे शक्तियों को खत्म करना पड़ेगा। तो जब उसके बाद फिर अक्ल उसके पिताने को आती है, फिर यहाँ के सब बयान करना पूरे बातें, और जिंदगी बर्बाद हो जाती लोगों की, जादू टोना चला बोल के पता चलने में, कुछ ऐसी बाहर की दुनिया की वार है, वो वार पता चले तक पूरा तबाह बर्बाद हो जाता, और बाद में तो जादूगर तो और ज्यादा उसको खड्डे में डाल के मार के पूरा उसके ऊपर मट्टी डाल देते, क्योंकि जादूगरों के पास जाना नहीं, उनको पूरा नहुंसती लगा देते, उल्टा तबाह बर्बाद करके वहां को खिलाफ कर देते, जादू से जादू नहीं कटता, जादू अल्लाह वालों के पास कटता और इबादत से कटता जादू, तो इबादत फिर मजबूती से सामना करो। और दुआ मोमिन का क्या रहे, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि मोमिन बंदे क्या है, कैसी दास्तान लिखी सरत अल्लाह के मोमिन बंदों में शुमार हो, मोमिन बंदे बनने की कोशिश करो, सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, जिक्र अस्कार इबादत करो, तुम जिक्र की फिक्र करेंगे तो एक वक्त आएगा यकीनन जिक्र तुम्हारी फिक्र करेगा, और तुम अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे एक दूसरों पे जादू करेंगे ये सब करने का उताला, तो ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि लोग जो इन पर बीतती उसको ही पता चलता, जख्म जिसको होता दर्द भी उसको छोड़ता, बाकी बाजू बढ़ने वाले को दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ मलाल कर सकता कि उनको जख्म हुआ है मलाल, मगर दर्द सिर्फ उसी को महसूस होता जिसको जख्म होता। ये बात याद रखना, ये वबाओं में जो गिर जाता उसकी तोबा कबूल नहीं होती, उन्हें कहाँ जाएगा और ये कैसा निकालेगा और इनसे कैसी नजात पाएगा, ये सोचने में जो उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है उसमें गर्क हो जाता, हलाक हो जाता था बर्बाद होकर, क्योंकि उसको हटाने वाला कोई मिलता नहीं, उन जादूगरों के पास फिर था और जादूगर उसको पूरा बर्बाद कर देते, जादूगरों के पास नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, जादूगरों पे अल्लाह की लानत बरसती, तुम अगर वहां जाकर बैठी हो तुम पे भी लानत के छींटे बरसेंगे, और तुम पे लानत के छींटे भी देंगे, तुम्हारी भी दुनिया भी गई आखिरत भी गई सब का, इसलिए बेहतर है अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और देखो उन बीमारी समझ रहे थे, बीमारी समझ रहे थे, पैर में दर्द, जिस्म में दर्द, किरकिरियां घर में, झगड़े, लेकिन ये कुछ दूसरे दुनिया का वार था, क्योंकि तुम बार बार दवा गोली खा रहे और बार बार तुम मेडिसिन ले रहे, बार बार हॉस्पिटल जा रहे, दवा सास के पास जा रहे, दवा खानों में जा रहे, तबीब के पास जा रहे, हकीम के पास जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे, राइट नहीं हो रहे, राइट नहीं हो रहे, तो फिर समझ जाओ कि वो डॉक्टर उस बीमारी का नहीं है, फिर तुम्हारे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि जो उस बीमारी का हल जानता, क्योंकि तुम भी उधर जाने में हल हलाक हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हर मामले को, हर चीज को समझा करो,
क्योंकि अल्लाह ने तुमको अखले अजीम दिया वाली है, तुमको जानवर गधा और बैल बनाकर पैदा नहीं करा है, तुमको अखले अजीम दिया गया और साथ में कुरान शरीफ भी दिया गया पढ़ने के लिए और समझने के लिए। ये सब तुम बातों पर अमल करोगे, समझोगे, अखले अजीम का काम लेंगे, अखले अजीम से काम लेंगे तुम, तो तुम दुनिया व आखिरत में सही तरीके से जी रह सकेंगे और दुनिया आखिरत तुम्हारी बन जाएगी। और तुम अगर अकल से काम नहीं लेंगे और बोलेंगे हम नहीं मानते, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, फिर तुम्हारे में और गधे में और बैल में क्या फर्क रह जा रहा, क्या फर्क है? अकल अजीम का तो फर्क दिया था ना अल्लाह। इसलिए समझो वो चार पैर का जानवर है और तुम दो पैर के जानवर मत बनो, इंसान बनो और देखो और समझ कर ये सब बातों पर अमल करो, इबादत की रस्सियों को मजबूती से थामो, तो ये सब हवाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। वाकई में तुम्हारा पेट दुख रहा, वाकई में तुम्हारा सिर दुख रहा, वाकई में तुम्हारा बदन दुख रहा, वाकई में तुमको कोई बीमारी है, दवा लो, गोली लो, राइट हो जाएगी, ट्रीटमेंट करो, दुरुस्त हो जाएंगे। और बार बार ट्रीटमेंट करने के बाद दुरुस्त नहीं हो रहे, बार बार कारोबार में नुकसान हो रहा, बार बार कोई भी खेती में फसल नहीं आ रही, या बार बार कुछ भी ऐसे मसले हो रहे, समझ जाना कि कोई तो भी दूसरे दुनिया के शर पसंद चीजें हैं जो आकर हमारे कामों में रुकावटें डाल रहे, जो हम तक फैज नहीं पहुंच रहे, तो वो बलाएं रहते थे। इसलिए जिक्र अस्कार इबादत अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामना, बुजुर्गान दीन के दामनों को मजबूती से थाम लेना, तो वो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, महफूज रहने रखेंगे, तुम्हारी दुनिया भी बना देते उन्होंने और तुम्हारी आखिरत भी बना देते इबादत की राह पर तुम्हारे चलाते, तुम इबादत की राह पर चले तो तुम इतने नेक बन जाते कि तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाती, आखिरत भी सुधर जाती। कहने सुनने से अल्लाह ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। मैं क्या बोलूं तुम्हारे को, बता दिया ना मैंने सामने दास्तान, कभी तो ये लोग बीमारी बीमारी समझ रहे थे, आया पूछो ना उन्होंने बोल रहे, इससे पहले कभी नहीं हाजिर हुआ, कितने बार हाजिर हुआ घर पे, कभी हाजिर हुआ क्या? नहीं, बाहर ऐसा जो खाली दुआ का पानी वो लेते गए, मगर फर्क नहीं पड़ा कुछ। किसी के पास हाजिर कैसा होगा, वो कहीं भी दुआ पानी को थोड़ी हाजिर होता हूँ, सबके पास थोड़ी पैसे ले लो, पैसे ले लो, 800 900 1000 ऐसे डालते गए, 3000 मगर कहीं फर्क नहीं हुआ, हाँ भी फर्क नहीं, सबको थोड़ी आता है, सबसे थोड़ी अमल अमल है दुनिया वालों में, सबसे थोड़ी शैतान डरते, शैतान और जिन्नात की खास बात है किसी से डरते नहीं हूँ, पढ़ तुम्हारे साथ बैठ के कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ने वाली जबान होना पड़ता, उससे अटैच होना पड़ता, तार से तार मिला ले होना पड़ता, तो जब फिर क्या बोलते तो ऐसी मार पड़ती उनको ना ऐसा आलम, फिर थर थर कांपते असल आमिल और असल कामिल के सामने, और बाकी जो रहते ढोंगिया बाता करने वाले बंडलबाजा, तो वो बंडलबाजा तो बहुत बैठे आले, वो बंडलबाजों को कुछ आता नहीं, तुम्हारी दुनिया आखिर सब बर्बाद भी कर देते, तुम्हारा पैसा भी खा लेते, दुनिया भी सब गया, और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामी है, दुआ मोमिन का हथियार थे, सब बबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे, और जिन्नात और शैतान कोई इलाज वाले के सामने हाजिर नहीं होते, आते चले हो, गिनते चले हो, किसको चले गिनते, जहाँ अल्लाह ने ताकत दिया है वहाँ हाजिर कराते हो मार मार के। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, बार बार बुजुर्गान दीन को वली अल्लाह को बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वली अल्लाह के पास में, बुजुर्गान दीन के पास में उनको किसी से गरज नहीं रहती, वली अल्लाह को, बुजुर्गान दीन को, तुम आओ, तुम जाओ, तुम बैठो, तुम्हारे सुनो, खाली अल्लाह तू राजी हो, बस तेको राजी करने को और तेको दिखाने के लिए जीते हम, बोल के जीते हो, हमारी इबादत अल्लाह तेरे लिए, हमारा जीना अल्लाह तेरे लिए, हमारा खाना अल्लाह तेरे लिए, हमारा चलना फिरना सब अल्लाह और उसके रसूल के लिए, बोलते हो ये बुजुर्गान दीन रहते। और तुम अगर बुजुर्गान दीन को बुरा बोलेंगे तो तुम्हारे को ऐसे लपेटों में लेता अल्लाह और ऐसे बुरे हाल करके मारता, सड़ा के कैंसर बीमारियां लगा के, जितने लोगों ने बुरा बोले थे क्या आलम हुआ, बोला था ना मैंने जबानों में कैंसर होंगे, मजाक करे वैसा कर रहे थे, कैसे जबानों में कैंसर, कैसा माफिया मांग रहे तुम, हो मेरा क्या है, मैंने थोड़ी तुम्हारे भी कुछ करा, ना दुआ दिया ना तुम्हारे बद दुआ दिया, मगर देखे जो निगेबान रहता उन्हें कैसा करता, कैसे तुम्हारे से बदले लेता, कैसे तुम्हारा दिला पकड़ के मार दिए रातों रात तुम्हारे में हमले हो गए, कौन मारा तुम्हारे, कौन हट के झटके लाया तुम्हारे, वो रब ने, कौन तुम्हारे जबानों में कैंसर करा, वो रब ने, कौन तुम्हारे दिमाग में कैंसर करा, वो रब ने, मैंने तो कुछ अमल नहीं करा, मैंने कोई दुआ भी नहीं करा तुम्हारे हक में, कोई बद्दुआ भी नहीं करा, तुम क्या भी बोलो मैं सुनता नहीं, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने अपने जिक्र अस्कारों का, मगर जो ताकत रहती है साथ की, जकड़ लो तो जकड़ लेते, मारो तो मारते, लिड़ाओ तो लिड़ाते शैतानों को, तो उन्होंने नहीं छोड़ते ना, उन्होंने आंख के बने लेते, जाके हमले करते बरोबर, करे ना हमले, लाए ना हाडा, मारे ना दिला पकड़ के, बोला था ना, तो ऐसा रहता, मैं कुछ नहीं करता, बरोबर तुम्हारे बच्चों को मारते, तुम्हारे पे मारते, हमले करते घरों को, ये सोचो ना जिन्ना शैतान को डरने करने लेते तुम्हारा क्या आलम करेंगे, कैसा तुम्हारे काम बनने देंगे, कैसा तुम्हारे घर तक पहुंच जाते हो, कैसा नहीं पहुंचते, तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता, तुम क्या समझ रहे, तुम मोबाइल
दुनिया के एक कोने में एक इंसान बैठा रहा, दूसरे कोने में एक इंसान बैठा रहा, इसका नंबर इधर डायल करो उधर पहुंच रहा, उसका नंबर इधर डायल करो इधर आ रहा, तो क्या अमल अमलियात की दुनिया में ये बातें नहीं मालूम होते क्या? तो दुनिया के कौन से कोने में भी छुपके बैठ के तुम अगर बुरा सोच रहे, बुरा कर रहे तो बरोबर पहुंच जाते कैच करके वहां तक, क्योंकि जिक्र की ताकतें हैं, ये जिक्र है ही ऐसे, ये जिक्र अस्कार बोलते हैं, चूंकि इबादत की राहें हैं ऐसी, ऐसे जिक्र करा लेते इस पे के जाके ये चीजें खुद तुम्हारे से तुम्हारा बुरा हाल करके तुम्हारा घर करके हलाक कर देते, और तुम्हारी दुनिया भी जाती और आखिरत भी, मरने के बाद तुम ला के बाहर क्या काम लगा के देख लिए ना जादूगरों ने तुम्हारे को, लोगों के आंगों में डाल दिया, तुम्हारे ना लायक हो, अपनी औकात में रहो, नाली पे रेंगने वालों कीड़ो समझो, बाज आ जाएंगे, बाज नहीं आएंगे अगर तो फिर ऐसे ही बेमौत और सड़सड़ के मरेंगे, बटे तरीके तरीके के बीमार अलग के तुम लोग, क्या बोलू मैं बोलता नहीं, मैं करके दिखाता, मैंने आज तक कोई इंसान को कोई जिन्नात को वो बताया नहीं कि किसी के आंग में जो आ रहा है कि तेरे पर इसने जादू करा तेरे पर उसने करा, कोई वीडियो में सुन लो शैतान और जिन्नात की जबानी पूछाता हूँ मैं पकड़ के, मैं अपनी जबानी कभी नहीं बोलता मैं कि भाई तेरे पे जादू उन्होंने करा, बाबा तेरे पे जादू है तेरे पे, कुछ नहीं बोलता मैं, कभी नहीं बोलता, पूरे वीडियो में देख लो, सिर्फ मैं ऐसा यूं बैठ के पूछता हूँ कौन डाले कहाँ से आया किसने करा, हाँ चल छोड़ निकल तबा तबा कर, ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना, बाहर निकाल के हटाल देता, अपने जबानी कभी नहीं बोलता मैं, क्योंकि सब मालूम है अपनी जबानी बोल के क्या फायदा, मैं तुम्हारी जबानी तुम्हारे मुंह से तुम्हारे जबान से खींच के नाम निकालता हूँ बाहर, वो सब रुतबा दिया अल्लाह ने, उसे मर्तबा दिया अल्लाह ने, सब अल्लाह के फजल करम से, सब अल्लाह कलाम की ताकत है, तुम्हारे को अकल के अंदो जो नाम आगे से, मूसा अलैहि सलाम को भी तो जादूगर बोले थे ना, मूसा अलैहि सलाम को क्या बोले थे, ऐ मूसा तुम जादूगर हो, कौन बोला, अस्माज अल्लाह अस्तगफर, कौन बोला था, जो फिरौन के जादूगर थे उन्होंने, फिरौन ने लोगों ने उनको जादूगर बोले थे, ईसा रूहुल्लाह अल्लाह ने कह दिया, मूसा कलीमतुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, सबको जादूगर बोले लोग, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में दुनिया बनी, जमीन और आसमान चरिंदे परिंदे अरशे मौला अरशे आजम हर चीज अल्लाह ने उनके सदके तुफेल में बना, अल्लाह ने चांद सूरज सितारे गैलेक्सियां सब सिर्फ अल्लाह का वाहिद और अल्लाह का नूर था, सिर्फ सिर्फ अल्लाह का नूर, उस नूर में से हिस्सा निकल खड़ा वो हिस्सा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का हिस्सा, फिर उसमें से लेके सब चीजें बनाया अल्लाह ने, सातों जमीन सातों आसमान हर चीज, वो रब्बुल आलमीन इतनी मोहब्बत करता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके सदके में सब बनाया, बार बार फरमा दिया अगर मुझे दुनिया ना बनाना होता, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बनाना होता तो मैं दुनिया ही नहीं बनाता था, अल्लाह ने फरमा दिया, तो वो अल्लाह के नबी को भी तो लोगों ने माज अल्लाह उनके जबानों पे लानत, उन पे लानत हो बदबख्त और नालायकों पर जिसने वो जबान कट जाए और जहन्नुम का ईंधन बन जाए, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जादूगर बोलकर माज अल्लाह कह दिए थे, पढ़ो ना अबू जहल ने क्या बोला था कि जादूगर, सारे लोगों ने क्या बोले थे जादू मजनू, मगर कैसे हाल हो के मरे कम मखा सब बदमाशा, तो अल्लाह वालों को बुजुर्गान दीन को ये लोगों को जादूगर ही बोलते लोग, और असल जादूगर को सिर पे लेके नाचते लोग, और जो अल्लाह वाले रहते उनको जादूगर, क्योंकि उनके शैतान आंखों पे पर्दे डालते ना, उनको अल्लाह वाले दिखते नहीं, उनको जादूगर आंखों तो अल्लाह वाले दिखते, अल्लाह वालों को जादूगर बोलते, तो तुम अल्लाह वालों को बुजुर्गान दीन को अगर जादूगर बोलोगे तो अल्लाह क्या फरमाता मालूम, अगर मेरे वलियों के बारे में दिल में जरा भी बुग्ज रखते, वो जो तुम अल्लाह के वास्ते सजदे सजदे कर रहे जाके मंदिर में मस्जिद में गिरजाघर में चर्च में हर तरफ तुम जाके सजदा करते, किसके लिए सजदा करते, सातों जमीन और सातों आसमान जिसने बनाया और रब्बुल आलमीन के लिए, सबका रब एक है, कोई उसको गिरजाघर में ढूंढता तो कोई उसको मंदिर में ढूंढता तो कोई उसको मस्जिद में ढूंढता, मगर है तो वो एक ही ना सातों जमीन और आसमान का मालिक, तो क्या फरमाता मालूम कुरान में, अगर मेरे बुजुर्गाने दीन को अगर तुम वली अल्लाह को बुरा बोलोगे उनके दिल में उनके वास्ते दिल में खुद के रही बराबर भी बोझ रखोगे तो अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता, खुले जंग का ऐलान करता, जंग का जब ऐलान करता तो फिरौन और नमरूद और शद्दाद हमान की सल्तनतों को गर्क करके भी डाल देता फिर खट्टे में, और कयामत तक के वास्ते इबरतनाक वाकियों में दर्ज करा देता तारीख के अंदर कि शद्दाद फिरौन नमरूद हमान को हमने सिर्फ हुकूमतें दिए थे और ना मांगे, और बुजुर्गान दीन अल्लाह वालों को पैगम्बरों को वली अल्लाह को बुजुर्गान दीन को उन्होंने जुल्म दिए और बुरा बोले, तो अल्लाह ने फिर उनसे ऐसा बदला लिया कि उनको खाली इबरत का निशान बना के रख दिया दुनिया में कयामत तक के वास्ते, तो इसलिए अपने जबान से कुछ भी अल्फाज निकालने से पहले सोच लिया करो, जो अल्फाज हमारे जबान से निकल रहे हैं खुदा को नागवार ना गुजरे वो बातें, अगर खुदा को नागवार गुजरे तो क्या करोगे फिर, अगर वो तुम्हारा दुश्मन बनने का तो कहाँ जाएंगे कहाँ भागेंगे, मंदिर में उसको ढूंढते मस्जिद में ढूंढते अल्लाह को गिरजाघर में ढूंढते चर्च में ढूंढते कहाँ जाएंगे किधर जाके सजदा करेंगे, जब उन्हें से नाराज हो जाएगा तो
रब को नाराज मत करो, ये सब बातों पर अमल करो, दुनिया व आखिरत में अल्लाह तुम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, इबादत के रस्सियों को मजबूती से थामो, नेक बनो, एक बनो और इस हरकतें मत करो। और वली अल्लाह को बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना, उनको बुरा बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारे सितारे जो बोलते ना, सितारा गर्दिश में चला जाता, फिर सितारे वाकई में बनाए वाले अल्लाह ने, सितारों का इल्म भी दिया था या ही आया, सितारों का इल्म दिया था इदरीस अलैहि सलाम को, जो सितारे जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे, घट रहे हैं, सब लिख के तुम आपको, तो किसको दिया था अल्लाह ने इल्म, सब अल्लाह ने अपने पैगंबरों को दिया था इल्म, तो इदरीस अलैहि सलाम को दिया था ये, बताओ सितारों का, ये तुम्हारा सितारे को गर्दिश में ढकल देता सालों जिंदगी भर, फिर दुनिया आखिर सब जाती, फिर मंगते बढ़ो तो बनते नहीं काम, बिगड़ जाते बनते काम। बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सिर्फ अमल करने की तौफीक दे। क्या बोलूं तुम्हारे को मैं, मेरे कहने जितना इल्म है उस हिसाब से तुम सवाल किया करो, उसके जवाब लिया करो, बेवकूफ लोगों खल से पहले, तो तुम दुनिया में ये सब वबाओं से महफूज रहेंगे अल्लाह की तरफ से। चलो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। तो कहाँ से